हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू प्रोफेशनल कॉमर्स फाउंड माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। मैं आपके साथ आज 50th वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। टोटल नंबर मैं आपको चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं, जिसका आज लेक्चर 23 आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेक्चर 23 बेस्ड है बच्चा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताई थी, कुछ जर्नल्स बताई थी और फॉर्मूला का डिस्कस किया था, और मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली मैं बना के बताऊंगा। तो बच्चे आज आपको पार्ट टू में क्वेश्चंस बताऊंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, मैं उसे रीड करता हूँ। तनीषा इज ए पार्टनर इन ए फर्म, सी withdrew the following amounts during the year ended 31st March 2020. तनीषा एक पार्टनर है फर्म में, जो 31st मार्च 2020 का जो साल गुजरा है उसमें उसने फॉलोइंग ड्रॉइंग किया है। May 1 को 20,000, July 31 को 10,000, September 30 को 30,000, November 30 को 40,000, January 1 को 20,000, March 31 को 25,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। पहली बात तो हम लोग ये जान ले कि ये रेगुलर ड्रॉइंग है कि इरेगुलर ड्रॉइंग है। तो सबसे पहले ये इरेगुलर ड्रॉइंग है, इरेगुलर ड्रॉइंग। और इरेगुलर ड्रॉइंग को हम लोग दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है बच्चा सिंपल मेथड और दूसरा है बच्चा प्रोडक्ट मेथड। दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। मैंने ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बताया था। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल मेथड में हर ड्राइंग को सेपरेटली कैलकुलेट करना होता है। आइए, स्क्रीन पर आपके मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है। मैंने एक डेट का कॉलम बनाया है, एक अमाउंट का कॉलम बनाया है और पीरियड जो हम सिखाएंगे, पीरियड कहाँ से कहाँ होगा बच्चा, डेट ऑफ ड्रॉइंग। आई एम राइटिंग शॉर्टकट, यू राइट इन डिटेल। डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स। आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे पीरियड मंथ्स अप टू मार्च 31st। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है बच्चा, आप क्लोजिंग डेट आपका 31st मार्च है, तो आप शॉर्ट में इसके जगह पे समझाने के लिए लिखे, आप सिर्फ लिखेंगे मंथ्स अप टू 31st मार्च, मंथ्स अप टू 31st मार्च। आप ये वाला लाइन यहाँ पे लिखिएगा, बस ये समझाने के लिए लिखे हैं कि डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके जो बुक्स के क्लोजिंग डेट है उसके पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले मे वन को अमाउंट 20,000 ड्रॉइंग की थी तनीषा ने, तो आप बताइए डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है मे 1। बुक्स का क्लोजिंग डेट है 31st मार्च, यहाँ भी लिख दिए हैं 31st मार्च। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कितना पीरियड हुआ मंथ में, बताइए जरा। तो आइए हम आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं। मई पूरा ले लेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना मंथ हुआ बच्चा, तो 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11। ये टोटल 11 मंथ्स हुआ। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, आइए हम आपके साथ कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। तो यहाँ पे 20,000 इंटू, मैंने रुपीज का साइन यहाँ लिख दिया बच्चा, 20,000 इंटू रेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है 9%, तो 9/100 इंटू टाइम क्या हुआ 11th मंथ। और जब भी मंथ वाली बात होगी नीचे हमको 12 लगानी पड़ेगी। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 20,000 का 9% 11 मंथ का अगर कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट आपका है 1650। कैलकुलेशन करके आया 1650। जल्दी जल्दी इसका जुलाई का कैलकुलेट कीजिए, July 31st है बच्चा, तो जुलाई छोड़ देंगे हम, तो कहां से कैलकुलेट करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना मंथ हुआ 8 मंथ।
तो यहाँ 8 मंथ लिखेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे ऊपर किए हैं, 10,000 का 9/100 इंटू 8/12। ज़्यादा कैलकुलेशन करो, 10,000 का 9% इंटू 8/12। आशा करते हैं आप समझ गए इसकी कैलकुलेशन 600 आएगी। आगे बढ़े बच्चा, आइए सितंबर 30 को तो कैलकुलेशन करते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग है 30 सितंबर और बुक्स का क्लोजिंग है 31। क्या लिखे हैं, डेट ऑफ ड्राइंग टिल क्लोजिंग डेट्स ऑफ बुक, यानी बुक्स क्लोजिंग डेट। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितना मंथ हुआ, तो सितंबर पूरा खत्म है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का बच्चा। तो कैसे निकालेंगे, तो 30,000 का 30,000 का 9/100 इंटू 6/12। जरा कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 का 9% जितना है 27,000, उसको आधा कर देंगे बच्चे तो आ जाएगा 1350। 6/12 का मतलब हाफ होता है, हमेशा याद रखिएगा, 6/12 का मतलब हाफ होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 30 को चलो देखेंगे। नवंबर 30 को आप देख रहे हैं बच्चे स्क्रीन पे, नवंबर 30 को उसने ड्राइंग किया था 40,000। तो जरा 40,000 का टाइम पीरियड निकालो नवंबर से, तो दिसंबर और ये जनवरी फरवरी मार्च कितना मंथ हुआ बच्चा, 4 मंथ। अब 4 मंथ का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो बच्चा 40,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12। अब जरा कैलकुलेट करके बता दो, मैं भी आपके साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप हमसे पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चा आते हैं, जल्दी करते हैं, 40,000 का 9% 4/12 करके तो ये आएगा 1200 बच्चा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1200। ऐसा करते हैं, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 1 को आइए जल्दी से बच्चा, 20,000 ड्राइंग है, तो जनवरी 1 है तो पूरे 3 महीना होगा, तो 20,000 का 9/100 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा बच्चा, तो 20,000 का 9% इंटू 3/12 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, ये 450 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। आइए बच्चे जरा देखते हैं, मार्च 31 को उसने ड्राइंग किया था 25,000, तो पीरियड डेट ऑफ ड्राइंग से लेके बुक्स के क्लोजिंग डेट तक क्या होगा, डेट ऑफ ड्राइंग से लेके बुक्स के क्लोजिंग डेट तक पीरियड 0 मंथ होगा, है ना बच्चे। अरे मार्च 31 से लेके मार्च 31 कितना होगा, 0 महीना। तो भाई 25,000, वैसे तो इसको निकालना ही नहीं चाहिए, आप स्मार्ट हैं, क्योंकि 0 मंथ से 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, ये तो जानते ही हैं। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 ही आएगा। अब जरा सारे इंटरेस्ट को जोड़ दिए तो उसका टोटल निकल जाएगा बच्चा, तो 1650 पहला था, दूसरा 600 था, तीसरा 1350 था, और चौथा 1200 था, और उसके बाद था 450। मैं इसको जोड़ता हूँ तो आएगा 5250। वैसे आप कोई भी मेथड से बनाइए ये आएगा। और इधर का अगर हम टोटल ड्राइंग को जोड़ते हैं बच्चे, अगर हम सॉरी यहाँ पे करना चाहिए था, ये लाइन नहीं होगा, टोटल ड्राइंग को अगर हम ऐड करते हैं बच्चे तो करीब करीब 1,45,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1,45,000। आइए, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत इजी था, नॉर्मल इंटरेस्ट था बच्चे, आपने सिंपल मेथड सीखा है, कोई भी मेथड में डेप्रिसिएशन में हर जगह आपने ये मेथड को कैलकुलेट किया होगा और आंसर निकाला होगा। आइए हम आपको आज प्रोडक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा कुछ बातें मैं आपको स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, जरा उसे नोट कीजिएगा और हमें समझाइए बताइएगा कि आप समझे कि नहीं। ये मान लो 2×3 में हमको ऐड करना है बच्चे, 3×3 में हमको ऐड करना है 4×3, हम गौर कर रहे हैं, फिर ऐड करना है हमको 5×3। इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2×3 प्लस 3×3 प्लस 4×3 प्लस 5×3, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। जरा इसको जोड़ के बताओ उनको सर, 15 15 30 और 30 और 42 हो जाएगा सर। हाँ सर एकदम कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया और इन सभी को ऐड कर दिया तो मेरा 42 आया, मतलब इसका आंसर जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इसका आंसर 42 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आपने मैथ पढ़ा होगा तो आप कॉमन फैक्टर निकालना जानते होंगे, आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो आप कॉमन फैक्टर निकालना जानते होंगे। जरा इसमें कॉमन क्या है बच्चे सब मल्टीप्लाई में, आप ऊपर के स्क्रीन में ये वाले क्वेश्चन में जरा देखिए कॉमन क्या है, तो सर 3 है 3 है 3 है 3 है। तो बच्चे रूल कहता है कि जो भी कॉमन है उसको बाहर लिख लो, चलो हम कॉमन ले लिए बाहर, इनटू जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख लो ऐड करके 2 + 3 + 4 + 5, मतलब कितना हो जाएगा बच्चा जरा देखो तो 3 × 3 + 2 + 5 + 4 + 9 + 5 = 42। यानी आपसे अगर मैं कहूं कि इसको मल्टीप्लाई करो तो आप हमको बताओ ये वाला मेथड आप यूज करते कि ये वाला मेथड यूज करते। जाहिर सी बात है आप नीचे वाला मेथड को यूज करते क्योंकि ये कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर दिया, मतलब हमने जो कॉमन था उसको एक जगह कर लिया सिंपली, और जितने ऐड मतलब अनकॉमन है उसको ऐड कर लिए, अनकॉमन को ऐड कर लिए कॉमन को बाहर कर लिए। तो अनकॉमन क्या था 2 + 3 + 4 + 5, और इस तरह हम 3 × 14 किए तो ये आ गया 42 मेरा, इजी है। अब जरा इसी क्वेश्चन को हम 3 वाला में देखते हैं, ये 2 वाला था 2 मल्टीप्लाई, अब जरा 3 वाला ले लेते हैं बच्चा। चलो सिंपल ही लूंगा, घबराने की जरूरत है, 1 × 2 × 5 ठीक है, 2 × 2 = 3 × 5 ठीक है बच्चा, फिर 1 × 3 × 5 एकदम सिंपल, हम 3 ही ठो लेते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो बच्चा अब बताओ, अब इसमें हमको बताओ कि आप इसको कैसे बनाते हैं, यहां पे 3 ठो है तो वही करते सर, हम मल्टीप्लाई करते तो 5 × 2 = 10, 1 = 10 हो गया, 5 × 3 = 15 2 = 30 हो गया और 15 हो गया, तो ऐड करेंगे तो ये 55 आएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम रूल के अनुसार जो कॉमन है उसको अलग कर दो, कॉमन हम अलग कर दिए 5, अनकॉमन है उसको ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं, अनकॉमन को मल्टीप्लाई करते हुए प्लस कर दो, तो 1 × 2 + 2 × 3 + 1 × 3। अब जरा इस तरह तो कर ही सकते ना, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 हो गया और ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, और इसको जरा देखो 6 × 2 = 8 और 3 = 11, 5 × 11 कितना हो गया बच्चा 55। ऐसा करते हैं अगर मतलब ये तो छोटा डिजिट था तो आप ऐसे किए, बड़ा भी डिजिट होता तो आप ऐसे कर लेते हैं बच्चा, है ना, ये तो छोटा छोटा डिजिट लिखे हैं, ये 1000 में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप वैसा कर लिए, यानी आपने कॉमन निकालना सीख गया। मैं बस यही बता रहा था जो कॉमन है आप उसको बाहर कर लीजिए, जो कॉमन है आप उसको बाहर कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, ठीक है बच्चे। तो आइए आपने आप में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप ये रफ है बच्चा, ये हम रफ बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड क्यों आया। तो जरा इसको देखो, 20,000 × 9/100 × 11/12, फिर देखो 10,000 × 9/100 × 8/12, फिर देखो 30,000 × 9/100 × 6/12 ठीक है बच्चा, फिर देखो 40,000 × 9/100 × 4/12 देख रहे हैं ना, फिर देखो 20,000 ×
9 by 100 into 3 by 12 लिख रहा है। फिर देखो 25,000 into मैंने उसी को लिखा जो उधर कैलकुलेट किया सिंपल में 0 by 12। अब जरा इनमें से कॉमन ढूंढो, कॉमन फैक्टर ढूंढो। अब जरा इनमें से कॉमन फैक्टर, मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला रटो नहीं, बस समझो कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो आप कॉमन क्या ढूंढ लेंगे सर? सर सारे में 9 by 100 कॉमन है, 9 by 100 मैं रेड से आपको डिनोट कर रहा हूं। ये देखो 9 by 100 सारे में है। हाँ सर 9 by 100 सारे में है और सम में 12 से डिवाइड हो रहा है, सम में 12 से डिवाइड हो रहा है। हाँ सर सम में 12 से डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर को एक तरफ करते हैं, है ना, कॉमन फैक्टर को एक तरफ कर देते हैं। तो 9 by 100 एक हो गया कॉमन और एक हो गया 1 by 12, कोई दिक्कत नहीं। 9 by 100 हो गया एक तरफ और जो कॉमन फैक्टर है मैंने ये सारे, ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब ये सब में अवेलेबल है, इनकी मल्टीप्लीकेशन सब में हो रही है तो मैंने उसे कॉमन कर लिया। अब जो अनकॉमन है, जो अनकॉमन है हमने इसमें क्या कर रहा था, अनकॉमन में अनकॉमन को क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा था, मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा था, मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा था, है ना। तो आप भी मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, जरा बड़ा सा होगा। यहां पे देखो मैं यहां से शुरू करता हूं, क्या क्या अनकॉमन है। तो पहले वाला में सर 20,000 into 11 है प्लस, दूसरे वाले में 10,000 into 8 है, तीसरे वाले में 30,000 into 6 है प्लस, ये मान लो स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए तो छोटा छोटा आप ले लोगे तो समझ जाओगे पीछे जैसे बनाए थे हम। उसके बाद 40,000 into 4 है, हाँ सर, प्लस 20,000 into 3 है, ठीक है, प्लस 25,000। हाँ बच्चे मैथ ही पढ़ा रहे हैं। अब जरा इसको सबको मल्टीप्लाई करके और जोड़ के बताना, आपको सबको मल्टीप्लाई करके और जोड़ के बताना, ठीक है। तो सर इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं, इस तरीके से हम अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको क्या रहना, कॉम्प्लिकेशन बुझा रहा है कि इस तरह सर थोड़ा सेपरेट सेपरेट रहता है, मतलब ऐसे कुछ रहता है कि 20,000 into 11 कर दीजिए, मतलब इस फिगर में ऐसे लिख दें हम 10,000 into 8, 30,000 into 6, तो थोड़ा मजा आएगा जोड़ने में, है ना, 40,000 into 4, 20,000 into 3, 25,000 into 0, तो चलो मजा वाला ही कर लेते हैं। तो ये करीब करीब 2,20,000 आएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन 80,000 आएगी और ये 1,80,000 आएगा। हाँ सर बहुत फास्ट जोड़ है, 4×4=16, ये 160 आएगा बच्चे, और 60,000 होगा और ये 0 होगा। अब हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, चलो ऐड कर ले हम लोग 2,20,000 आपको करना पड़ेगा बच्चा, यही प्रोसेस ही है, बस मैं उसे रटाने के बजाय हम समझाना सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए ये जोड़ के करीब करीब 7,00,000 आया। तो हम लोग क्या करते थे इसमें, इसमें हमने क्या कर रहा था जरा देखो, ये जोड़ के जो आता था उसको लिखते थे और कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो अब इसको जोड़ के आया 7,00,000 into यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए into, ये into का फॉर्मेट है, into मैंने लिखा, है ना बच्चे। तो अब जरा इसको कैलकुलेशन करो, 7,00,000 into 9% into 1/12 या ना 5,250। तो ये बन गया फॉर्मूला और ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। देखो जरा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 into 1/12 और 1365 डे में होगा, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मेरा आया था बच्चा 7,00,000, कोई दिक्कत नहीं सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 by 100 है, ठीक है सर, और टाइम फैक्टर 1/12 ही लेना है, हमेशा 1/12 लेना है। क्यों लेना है 1/12, अभी देखे ना कैसे मैंने 1/12 लिया था, क्यों हुआ, मैं ये क्यों का आंसर बताने के लिए प्रोसेस मैंने समझाया। आशा करते हैं आप क्यों का आंसर समझ गए हैं और आप इसको कैलकुलेशन करके इसकी आंसर 5,250
ले आएंगे, है ना बच्चे, 5250 ले आएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए हैं, बशर्ते कि इसको एक प्रोसेस में लिखना मैं आपको सिखा दे। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं एक फॉर्मेट में आपको सिखाने वाला। जरा देखो बच्चा, अब मैं आपको एक प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से थोड़ा सा प्रोसेस में बता दे रहा हूँ। ये रहा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है बच्चा। आपको यहाँ भी चार कॉलम बनाना, एक डेट का, एक अमाउंट का, एक पीरियड का। पीरियड में वही लिखेंगे। हाँ बच्चा, ये 8 है और 6 है, जरा घबराना नहीं, मैं यहाँ काट के बगल में लिख दिया हूँ, ठीक है। हाँ बच्चा, ये एकदम मैंने यहाँ से जो आपको सिखाया था ना कैसे कैसे कैलकुलेट किया वही उतार दिया, ठीक है बच्चा। अब देखो पीरियड कहाँ तक लेना है, अप टू द मार्च, अप टू सॉरी मंथ अप टू मार्च 31, यहाँ लिखना भूल गया, मंथ अप टू मार्च 31, क्लियर है। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ क्या कर दिया, कुछ का आपके लिए छोड़ दिया, जैसे 4 4 16 160,000। हाँ सर, वही पीछे वाला बता रहा है, कोई नया चीज नहीं बता रहा है आपके लिए, कोई भी नया नहीं है, और इसको जोड़ के आया था 7 लाख, ठीक है बच्चा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को जोड़ लिए, ये टोटल कहलाएगा बच्चा, ये टोटल प्रोडक्ट आया 7 लाख इंटू 9/100 इंटू 1/12, और आपका ये आ गया 5250। हाँ बच्चा, यहीं तक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे प्रोडक्ट मेथड। कोई दिक्कत है तो हमें बताइएगा, प्रोडक्ट मेथड समझने में अगर कोई भी तकलीफ होगा तो बताइएगा, ठीक है बच्चा, समझ रहा है, इजी है ना। हाँ सर, समझ गए। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आप उसे ट्राई कीजिएगा। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मुझे आज आपको मैंने आपको पढ़ाया सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा मैंने आपको सिखाया प्रोडक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट सिखाया पूरा डिटेल में, आखिर ये सिंपल से प्रोडक्ट आया कैसे, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला कैसे बना मैं वो आपको सिखाया हूँ, और एक बार फॉर्मूला बन गया तो मैं एक कॉन्सेप्ट भी प्रोसेस में ही बता दिया कि ऐसे आपको करना है, है ना। अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर दिए, और जो कॉमन फैक्टर था, जैसे 9/100 इंटू 1/12, ये कॉमन फैक्टर था और ये अनकॉमन था, उनकी सम थी, और मैंने आंसर लिया है। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा बच्चे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझसे बातें कीजिए, जरा कमेंट कीजिए, थोड़ा हमको लगेगा कि हम लाइव पढ़ा रहे हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपसे मिलजुल के पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप कमेंट करते नहीं, थोड़ा सा हम अपसेट फील करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ये क्वेश्चन हाँ स्क्रीन पर आपको दे दिया हूँ, कल नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, तब तक के लिए बाय।